हाय एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग चलिए लेक्चर अभी स्टार्ट करेंगे उससे पहले कुछ पुरानी बातें हैं मतलब प्रीवियस क्लास वाला कुछ टॉपिक रह गया था उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं है ना ओके जस्ट अ सेकेंड थोड़ा सा स्क्रीन मुझे डिस्कैप्चर करना पड़ेगा ओके तो प्रीवियस क्लास में हम लोग शायद जोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ख़त्म किए थे थोड़ा सा बाकी रह गया था उसको कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम आगे जाने की वजह से रोकना पड़ा चलिए कनेक्शन कट हो जाता तो हो सकता है लैग करता है इसलिए वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम था बट कोई नहीं कैप्चर ऑन कर दे रहे हैं फिर से एक बार और एक बार चेक कर लेते हैं माइक ओके है ठीक है चलिए तो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को जोलॉजिकल डिस्टर्बेंस उसमें सारे जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस को हम पढ़ा चुके थे हम आपको सील पढ़ा दिए थे डाइक क्या होता है क्या घाटा है क्या फ़ायदा है कैसे बनता है उससे रिलेटेड कुछ टर्म थे वो भी पढ़ा दिया था मैंने फॉल्ट पढ़ा चुका था फॉल्ट फॉल्ट के तीन टाइप्स होते हैं नेचुरल फॉल्ट रिवर्स फॉल्ट और ट्रांसवर्स फॉल्ट इसके बारे में पढ़ा दिए थे फॉल्ट के आसपास क्या, क्या चिन्ह मिलता है क्या सावधानी लेना चाहिए सब पढ़ा चुके थे इसके बाद अप थ्रो फॉल्ट डाउन थ्रो फॉल्ट भी हम पढ़ा चुके थे अप थ्रो फॉल्ट डाउन थ्रो फॉल्ट में भी कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रह गया था तो बता देते हैं अप थ्रो जो ऊपर वाला है भाई साहब चाहे ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे जो ऊपर वाला है उसको हम अप थ्रो बोलेंगे जो नीचे वाला उसको डाउन थ्रो बोलेंगे सिंपल सा चीज है इसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है ऊपर वाला जो फॉल्ट है अप थ्रो फॉल्ट नीचे वाला जो फॉल्ट है डाउन थ्रो फॉल्ट सिंपल सा चीज ठीक है थेका? ये हम नाम दे दिए ये जो कोल सिम टूटा है ये जो कोल सिम टूटा है बस इसको एक नाम दे दिए ठीक है थेका? तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है चलिए इसको आप देखिएगा आपका क्लियर हो जाएगा नहीं तो पाउस करके भी देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा कोई ऐसा चीज नहीं है बाकी स्ट्रक्चर के हिसाब से बताया थे तीन अलग अलग सेप बना लेता है इसलिए उसका नाम दे देते हैं एक है स्टेप फॉल्ट एक है ट्रफ फॉल्ट एक है रिच फॉल्ट ठीक फिर फॉल्ट के बारे में बताया थे फॉल्ट क्या होता है फॉल्ट कैसे बनता है एंटीक्लाइन क्या होता है सिंक्लाइन क्या होता है वास क्या होता है रोल क्या होता है पोर्ट होल क्या होता है ये सब कुछ हम बता चुके थे सिम का स्प्लिटिंग बता रहे थे असवेल लास्ट बचा था दो चीज चलिए समझते हैं मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक एक कोल सिम है ठीक है यहाँ से यहाँ तक एक पर्टिकुलर कोल सिम है और यही कोल सिम के बीच में कोई चट्टान आ गया है क्या आ गया सर ये कुछ चट्टान आ गया है ठीक है अब इससे इसके कारण क्या हुआ ये जो कोल सिम है वो ऐसे तो था एक भाग पूरा पूरी एक था है ना लेकिन अब दो अलग अलग भाग में बट गया है एक भाग हो गया ये ऊपर वाला एक भाग हो गया ये नीचे वाला इसको बोलेंगे दूसरा इसको बोलेंगे पहला ठीक है तो अब कोल सिम दो अलग अलग भागों में बट गया है ड्यू टू कुछ ऐसा चट्टान आ गया है रॉक आ गया है बीच में और एक लेयर के रूप में आ गया ऐसा नहीं कि थोड़ा देर के लिए एक लेयर के रूप में आ गया बांट दिया उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ कोल सिम या स्प्लिटिंग ऑफ सिम कोई भी मिनरल के साथ हो सकता है अब इसमें ये जो मेन वाला है ठीक है ये जो मेन वाला है इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिंटर एक सेकंड समझाते हैं रुकिए एक मिनट फोटो के बिना नहीं समझ पाएगा ठीक ये जो ये आप देख रहे हैं इसको बोलेंगे मेन सिम क्या बोलेंगे मेन सिम और ये जो अलग अलग है ये पहला वाला और ये दूसरा वाला इसको आप बोलेंगे स्प्लिंटर सिम क्या कहेंगे स्प्लिंटर सिम तो स्प्लिंटर सिम बेसिकली कोल स्प्लिटिंग या सिम का स्प्लिटिंग से संबंधित है जो टूटा हुआ है जिसको बच्चा कह सकते है, क्या है बच्चा है तो ये बच्चा क्या है सर स्प्लिंटर सिम और मेन सिम क्या है ये पेरेंट है पेरेंट क्या है मेन सिम तो बस इतना ही इसमें समझना है बाकी अगर हम सिम स्प्लिटिंग के बारे में हल्का फुल्का और आइडिया दे दे तो देखो यार ये एक्चुअली कोल सिम को ना अगर कभी ऐसा बेंच दिखता है जैसे ओपन गाश में बहुत बड़ा बड़ा जब बेंच बन जाता है तो आपको ऐसे क्लियर दिखता है कि कोल का लेयर कहाँ से कहाँ तक ठीक है तो आप इस कोल के लेयर को देख के एक एनालिस कर सकते हैं कि कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है जनरली क्या होता है जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो हम लोग हाई वाल माइनिंग को अडॉप्ट करते हैं ठीक है खैर वो सब आगे की बात है अब आते हैं सवेले सवेले का क्या मतलब है समझते हैं सवेले का मतलब ऐसा है कि एक कोल सिम है जो लगभग यूनिफॉर्म है ठीक है मतलब तीन मीटर का अगर कोल सिम है तो तीन मीटर का ही है ठीक है होते, होते होते लेकिन कहीं अचानक से हम देख रहे हैं कि जो कोल सिम है वो बेसिकली पाँच मीटर का हो गया फिर आगे चल के वो तीन मीटर का हो गया तो इस पर्टिकुलर पोर्शन को क्या बोलेंगे सूज गया क्या बोलेंगे सूज गया उसी को बोलेंगे स्वेले क्या बोलेंगे स्वेले क्या बोलेंगे स्वेले, क्या बोलेंगे? स्वेले। तो बस यही है एक जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस इसमें फोटो देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक कोल सिम है बेसिकली एक कोल सिम है ठीक है एक कोल सिम नॉर्मल रहता अगर ऐसा रहता तो ठीक है लेकिन उसमें किसी बीच का पोर्शन ऐसा है जहाँ पे वो थोड़ा सा ज्यादा है मोटा ऐसे हो गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे स्वेले बोलेंगे ये भी एक ज्यूलॉजिकल डिस्टर्बेंस है ठीक है ये भी एक जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस है तो तीन खतरा जनरली जो हम बात को तो बताए थे वो रहेगा ही रहेगा तो जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस तो आपका ऑफिशियली खत्म होता है प्रीवियस क्लास में ही हम कर दिए थे दो छोटा छोटा चीज़ बचा था तो इसको क्या रोकते चले अब एक सेकेंड अब हम लोग एक नया टॉपिक की ओर कूदेंगे ठीक है और वो टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है चैप्टर नंबर टू अगर आपको समझना है तो बहुत छोटा छोटा चीज को आपको समझना पड़ेगा ठीक है तो कोशिश करते हैं आपको समझाने का चलिए एक नया चैप्टर की ओर कूदते हैं और जो सिम्फर विम्पर का एग्जाम दे रहे हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है ज़रूरी है और समझिएगा बहुत ही डिटेल में हर एग्जामिनेशन के लिए अब जरूरी हो गया यू पी हो कोई भी हो हिस्ट्री ऑफ कोल इन इंडिया इसको एक दिन में ख़त्म करना शायद पॉसिबल नहीं है बट कोई बात नहीं हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा ज़्यादा कवर कर पाए करेंगे हिस्ट्री ऑफ कोल इन इंडिया देखो भारत में ऐसा माना जाता है कि 1774 में 1774 में जॉन समनर और सस्टेनियस ग्रांट हेटली नाम के दो अंग्रेज थे ये दोनों के दोनों जियोलॉजिस्ट थे इनको सर्वे का काम दिया गया था तो ये दोनों पहले तो सत्रह में गए अंग्रेजी हुकूमत के पास जाके बोले भैया हमको कोयला का माइनिंग करना है तो उनको परमिशन नहीं मिला फिर सत्रह में जॉन समनर और सस्टेनियस ग्रांट हेटली ये दोनों आप आ, माइनिंग स्टार्ट किए ठीक है उस टाइम पूरी तरह से ऐसा अंग्रेजी हुकूमत नहीं था मैं आपको बताता हूँ देखो यार ये जो दौर था ना ये था इंडस्ट्रलाइजेशन का ठीक है तो मतलब ऐसा है कि जिनका कंपनी है उन्हीं का चलता था जैसे अंग्रेज लोग क्या किए थे कुछ कुछ अंग्रेज विदेश में हमारा मसाला बहुत फेमस हो गया था हमारे कपड़े बहुत फेमस हो गए थे तो वो सब विदेश वाला सब उठ के चलाया था बड़ा बड़ा आदमी लोग भारत और आके यहाँ पे अपना प्लांट खोलने लगा अपना मसाला का बागान खरीदने लगा ठीक है तो ऐसे कर कर के वो बिजनेस कर रहा था उस टाइम तो बिजनेस वाला दौर था तो जिसका बिजनेस होता था जिस कंपनी में जो आदमी काम करता है उस कंपनी का मालिक कुछ बोलता था तो बात मानना पड़ता था अभी भी ऐसा होता है अगर आप मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपको प्राइवेट कंपनी का जो मालिक है उसका गुणगान बखान चापलूसी चा चाटूगिरी करना पड़ता है तो बस यही वाला हालत उस टाइम था जो आदमी लोग कर रहा था तो इसी टाइम सत्रह में दो अंग्रेज जॉन समनर और सस्टेनियस ग्रांट हेटली सत्रह में पहली बार रिसर्च किए तो उस टाइम तो कुछ परमिशन मिला नहीं उनको कोयला का लेकिन उनका ये कहना था कि रानीगंज कोलफील्ड में बहुत ही भयंकर कोयला है दामोदर नदी के किनारे वेस्ट किनारे यानी पश्चिमी किनारे पर बसा हुआ था वेस्ट बैंक कह सकते हैं वेस्ट बैंक ऑफ दामोदर रिवर दामोदर नदी एक झारखंड का और वेस्ट बंगाल का एक प्रमुख नदी है ठीक है तो उसी नदी के किनारे ये माइनिंग करना चाह रहे थे लेकिन इसको परमिशन नहीं मिला लेकिन ये दोनों डेट थे ये दोनों लगा रहा लगा रहा लगा रहा सत्रह में इसको परमिशन मिला जॉन समनर और सस्टेनियस ग्रांट हेटली को यहाँ पे देखिए जॉन समनर कुतवा के साथ बैठा है और सस्टेनियस ग्रांट हेटली ऐसा दाढ़ी वाला है नुकीला दाढ़ी वाला जस्ट लाइक विराट कोहली बाकी देखिए वेस्टर्न किनारा है वेस्टर्न बैंक ऑफ दामोदर रिदर रिवर तो कौन सा नदी के किनारे पहली बार माइनिंग स्टार्ट किया गया था आपको याद रखना चाहिए दामोदर नदी के किनारे कौन सा कोलफील्ड में स्टार्ट किया गया था याद रखना होगा रानी गंज रानीगंज ठीक है रानीगंज में स्टार्ट हुआ था है ना। चलो ये तो हो गया प्रैक्ट आपका कुछ थियोरिटिकल बात लेकिन कुछ ऐसा बात है जो आपको शायद हजम ना हो शायद आपको हजम ना हो लेकिन अगर हम अगर बोलेंगे कि कोयला का माइनिंग भारत में कब स्टार्ट हुआ कोल माइनिंग तो आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा लेकिन भगवान कृष्ण जब हुआ करते थे उस टाइम भी कोयला का माइनिंग होता था ये सब जो भागवत गीता अगर कोई पढ़े होंगे तो भागवत गीता के कुछ श्लोक है जिसमें कोयला 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 का जिक्र मिलता है तो कोयला का जिक्र मिलता है कोयला उस टाइम था तभी तो जिक्र मिलता है ना तो कोल का माइनिंग उस टाइम हुआ करता था आज हम अगर जो किताब में पढ़ रहे हैं सत्रह में है ना और वो लगभग आपका त्रेता युग का बात हम कर रहे हैं तो उस टाइम का चीज़ों में कोयला का जिक्र मिलता था इसके बाद भारत का बेसिकली बहुत ज़्यादा विकसित हुआ करता था एक टाइम तक्षशिला विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय था उस जगह पे माइनिंग का पढ़ाई हुआ करता था ऐसे साक्ष्य मिले हैं

सिविलाइजेशन में भी कोयले के इस्तेमाल का जिक्र मिलता है और तो और तांबा का भी इस्तेमाल इंडस सिविलाइजेशन में ही स्टार्ट हुआ था कॉपर का तो कॉपर का भी तो माइनिंग किया जाता था ना भाई साहब बिना सॉरी ब्रॉन्ज का ब्रॉन्ज का भी तो माइनिंग किया जाता था ब्रॉन्ज कॉपर तो पहले से ही चल रहा था कॉपर तो इंसान पहली बार खोज किया था तो देखो यार कुछ ऐसा चीज है जो अटपटा है लेकिन जो आपका ऑफिशियल डाटा है कि कोयला का खोज पहली बार कब हुआ तो आपको भारत में यही मानना पड़ेगा कि कोयला का खोज सत्रह में हालांकि इसको फिर से लिखे जाने का जरूरत है क्योंकि भारत में जितना भी माइनिंग हुआ है भारत में सबसे पहले स्टार्ट हुआ है बाकी कंट्री के कंपेयर में ठीक है तो कोई नहीं हम लोग को जो ऑफिशियल है भैया हम वही पढ़ेंगे कोयला वाला पूछेगा कोयला पहली बार कहाँ भारत में निकाला तो सत्रह सौ में निकाला कौन कौन निकाला जॉन समनर और सस्टेनियस ग्रांट इटली मिलकर निकाला ये कौन था तो दो जियोलॉजिस्ट था कहाँ पे निकाला तो रानीगंज कोल कोलफील्ड में निकाला रानीगंज कोलफील्ड में आज भी वो माइनस अवस्थित है जिसका नाम है सलानपुर कोलियरी अगर वहां से कोई होंगे तो कमेंट में बताइएगा सलानपुर कोलियरी जो कि रानीगंज कोलफील्ड का एक हिस्सा है उस जगह पे पहली बार माइनिंग स्टार्ट किया गया था जो कि वेस्ट किनारा था पश्चिमी किनारा था किसका दामोदर नदी का ठीक है तो ऑब्वियस ही बात है दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है तो वो ड्रिफ्ट थ्योरी से बना हुआ कोयला हम लोग निकाल रहे थे ठीक है बाकी अब कुछ बेसिक्स सवाल है जो हम आपको बताना चाहेंगे ठीक है वो आपको एकदम दिमाग में छाप लेना है कुछ मिनरल से रिलेटेड ही तथ्य है जो आपको एकदम दिमागों में छाप लेना है पूछा जा सकता है यूपीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे अगर तो पहला है सबसे पहला मिनरल या मेटल जिसको इंसान यूज किया जिसको इंसान कहे या आदि मानव कहे ठीक है आदि मानव स्पेलिंग पे मत जाइएगा मेरा बहुत मिस्टेक है इस्तेमाल किया चलिए इसका आंसर हो जाएगा कॉपर कॉपर यानी कि तांबा तांबा का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था तांबा का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था आदि मानव के द्वारा है ना सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था इसके बाद एक और क्वेश्चन है ब्रॉन्ज युग किसे कहा जाता है तो इंडस सिविलाइजेशन इंडस सिविलाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता इसमें ब्रॉन्ज युग इसको भी कहा जाता है ठीक है ब्रॉन्ज युग इसको कहा जाता है इसके बाद है कि कोयला का भारत में खोज पहली बार कब हुआ तो कोयला वाला जहाँ से आ गया वहाँ से यही वाला बात फाइनल हो गया ठीक है अब अगर हम ये कहें कि दुनिया का दुनिया का सबसे पहला मिनरल दुनिया में सबसे पहला मिनरल कौन सा बना था दुनिया में सबसे पहला मिनरल कौन सा बना था तो वो था ओलिविन ऑलिविन ऑलिविन दुनिया में सबसे पहला मिनरल है जो बना था और ये समुद्र के नीचे बना था सबसे पहले तो पानी में जीवन आए आप पढ़े होंगे लेकिन पानी के ही नीचे ड्यू टू वॉल्कैनिक एक्टिविटी एक चट्टान बना और वो चट्टान धीरे-धीरे ओलिविन नाम का एक मिनरल में ट्रांसफॉर्म हो गया था जो कि हरा कलर का होता है तो ये ओलिविन दुनिया का सबसे पहला मिनरल है जो बना था नेचुरल। सबसे पहला मेटल या मिनरल का इस्तेमाल किया आदि मानो वो कौन सा था तो वो था भैया कॉपर ब्रॉन्ज यू किसको कहा जाता है तो इंडस सिविलाइजेशन को कहा जाता है अब आते हैं वापस कोयला पे तो ये सब पॉइंट वो याद रख लीजिएगा चलिए अब आते हैं आगे तो देखो कोयला में जनरली पांच एलिमेंट पाए जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि यही पांच एलिमेंट ही होता है पांच एलिमेंट पाए जाते हैं जनरली और ही होता है बहुत अंतर कौन कौन सा पांच एलिमेंट है कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर एंड हाइड्रोजन ये पांच एलिमेंट होते हैं इसके अलावा फास्फोरस भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं एस परसेंटेज भी कुछ मात्रा में होते हैं बाकी वॉलटाइल मैटर भी कुछ मात्रा में होते हैं वो सब है एलिमेंट में बात करेंगे तो फॉस्फोरस भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं अलग से कुछ कोल में कुछ कोल में नहीं भी पाए जाते कुछ कोल में पाए भी जाते हैं लेकिन हम ब्रॉडली अगर बात करें तो ऐसा ही मान के चलना पड़ेगा कि पाँच एलिमेंट से मिलकर कोयला बना है कितना एलिमेंट से मिलकर बना है पाँच एलिमेंट से मिलकर बना है जैसे हमारा शरीर पाँच तत्वों से मिलकर बना है आकाश पृथ्वी जल अग्नि वायु हम लोग पढ़ते हैं कि पांच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है इसी तरह से कोयला जो बना है वो भी पांच तत्व यानी पांच एलिमेंट से मिलकर बना है कौन कौन सा एलिमेंट है एक बार देख लेता हूँ सब ठीक है ना चलिए कौन कौन सा एलिमेंट है एक बार देखते हैं एलिमेंट है कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर एंड हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर हाइड्रोजन उंगली में गिनिएगा पांच एकदम याद रखिएगा ठीक अब समझते हैं इसमें जो ये कार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एलिमेंट क्या कहते हैं प्राइमरी एलिमेंट और बाकी ये जो जितने हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं सेकेंडरी एलिमेंट इसको तो क्या कहते हैं सेकेंडरी एलिमेंट ऐसा हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि कार्बन के ही बेसिस पे आप इसको चार भाग में बांटे हैं पीट लिगनाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइड लेकिन अभी लिगनाइट पीट uh, जो है पीट को इंटरनेशनली कोल एक्सेप्ट नहीं किया है इसीलिए आप जब क्लासिफिकेशन लिखते हैं जनरली चार जो चला आया वो तो है ही बट लिगनाइट हो जाता है बिटूमिनस हो जाता है उसके बाद सब बिटुबिनस हो जाता है एंड देन एंथ्रासाइट हो जाता है ठीक है तो ये चार क्लासिफिकेशन जनरली आप एक्सेप्टेड है ठीक है लेकिन भारत में अभी जो चल रहा है भैया वही हम बात करेंगे तो भारत में चल रहा है चार्टो पीट, लिगनाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइट ठीक है चलिए सबके बारे में बढ़ाएंगे डोंट वरी आप टेंशन मत लीजिए देखो यार ये पांचों को मिला के फॉर्मूला होता है जैसे हाई ग्रेड का अगर हम फॉर्मूला का बात करें तो हम आपको बोले थे कि जो भी मिनरल होगा उसका एक एम्पेरिकल फार्मूला होगा एक क्वेश्चन हम सबसे आपसे कुछ दिन पहले पूछे थे जब स्टार्ट किए थे बोले थे भैया बताओ कोयला जो है वो मिनरल है कि रॉक है ऐसा क्वेश्चन हम आपसे पूछे होंगे तो कोयला जो है वो मिनरल भी है और रॉक भी है ऐसा कैसे कह सकते हैं सर आप समझाते हैं मिनरल इसलिए है क्योंकि मिनरल का प्रॉपर्टी जो है उसको ये सेटिस्फाइड करता है मिनरल का क्या प्रॉपर्टी था मिनरल का प्रॉपर्टी बेसिकली अगर हम कहें तो मिनरल का एक केमिकल फार्मूला था तो यहाँ पे केमिकल फार्मूला आपको दिख रहा है जी बिल्कुल दिख रहा है मिनरल का एक केमिकल फॉर्मूला आपको सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा ठीक है और उसके बाद मिनरल का बेसिकली डेफिनेशन ये था कि मिनरल पोजेजेज डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या क्या था एक बार समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ठीक है पहला तो ये हो गया इसके बाद मिनरल पोजेज डेफिनेट फिजिकल प्रोपर्टी बाय दे कैन बी डिस्टेंस फ्रॉम वन हाँ फिजिकल प्रॉपर्टी है केमिकल फार्मूला है केमिकल फॉर्मूला है मतलब केमिकल कंपोजिशन है और साथ ही साथ इसका इकोनॉमिकल वैल्यू है इकोनॉमिक वैल्यू जब हम देखते हैं कि क्या ये मिनरल को सेटिस्फाई करता है फिजिकल प्रॉपर्टी है जी बिल्कुल है लिग्नाइट कोयला भूरा होता है थोड़ा सा बिटूनस कोयला थोड़ा चमकता है एंथ्रासाइट कोयला थोड़ा हार्ड होता है ठीक है फिजिकल प्रॉपर्टी है सर इसमें कलर है हाँ करिया कलर होता है स्पेसपी ग्रेविटी जी बिल्कुल होता है सर लिग्नाइट कोला का 1.2 होता है एंथ्रासाइड का 1.8 होता है विटोमिनस का 1.4 से 1.5 के बीच में होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो है केमिकल कंपोजिशन है जो बिल्कुल है सर केमिकल कंपोजिशन है देखिए ये जो देख रहे हैं आप ये क्या फार्मूला है कार्बन दो हाइड्रोजन नब्बे ऑक्सीजन चार और एन एस ये आपका हाई ग्रेड कोल का फार्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं एंथ्रासाइड तो बिल्कुल फार्मूला है केमिकल कंपोजिशन भी है इकोनॉमिकल वैल्यू है मतलब कोयला को बेचेंगे तो पैसा मिलेगा जी बिल्कुल बेचेंगे तो पैसा मिलेगा बड़ा बड़ा आदमी बेच बेच के करोड़पति हो गया है अगर कोयला बेचते नहीं देखे धनबाद आइए दिखाते हैं चलिए तो बेसिकली ये तीनों प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है इसीलिए चलो इतना तो मान लिया कि कोयला मिनरल है तो क्या कोयला रॉक है चट्टान है जी बिल्कुल है सर क्यों चट्टान है क्योंकि हम आपको बता दिए थे कि कोयला जो होता है ठीक है कोयला जो होता है उसका आप अगर देखेंगे कोल का तो कोल एक सेडिमेंट्री रॉक है क्या है सेडिमेंट्री रॉक है ठीक है सेडिमेंट से मिलके ये बना होता है चाहे वो पेड़ पौधा कहीं क्यों ना हो वो सेडिमेंट्री रॉक है इसलिए उसको हम सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं तो कोयला दोनों हो जाएगा आगे बढ़ते हैं देखो र... रानीगंज कोलेरी का उस टाइम का ये मैप है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ठीक है तो ये पक्ष भी किराना है यहाँ पे नदी वदी को दिखाया है पूरा पुराना मैप है इसको हम इकट्ठा किए थे है ना अपने समझने के लिए तो रानीगंज को स्पेलिंग उस टाइम आर ए एन डब्ल यू जी यू एन जी लिखा जाता था कोलफील्ड है ना आउटलाइन मैप है उस टाइम का मैप है ये एनुअल यल्ड कोल का है बेसिकली तो ये बताया गया है कि कैसे कैसे कोल का कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है आप चाहे तो इसको देख सकते हैं चलिए अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग एक थ्यूरी पे देखो भारत में आखिर कोयला का विकास कैसे कैसे हुआ इसको हम समझते हैं तो हम तो इतना जान गए कि सत्रह में कोयला का पहली बार भारत में माइनिंग खोला गया था सलानपुर कोलेरी जो कि पड़ता है रानीगंज का रानीगंज में जो कि पश्चिमी किनारा है दामोदर नदी का इसके बाद 1814 में एक विलियम जॉक्स जो एक जैसे हम लोग अडानी का नाम ले रहे हैं अम्बानी का नाम ले रहे हैं ठीक है और बहुत सारा अलग अलग इंडस्ट्रीज लिस्ट का नाम ले रहे हैं उसी तरह से ये सब क्या है ये सब इंडस्ट्रलिस्ट जो भारत में आए अपना अपना कंपनी खोले और भारत को लूटे जैसे 1814 में एक कंपनी खोला गया था विलियम जॉक्स का के द्वारा वर्धमान में वर्धमान जो कि आज भी एक डिस्ट्रिक्ट ही है है ना आसनसोल जगह पड़ता है वहाँ पे तो उस जगह पे अठारह में कंपनी खोला गया था इसी के बाद 1821 में एक बड़ा कंपनी खोला गया था जिस कंपनी का नाम था एलेगजेंडर एंड कंपनी एलेगजेंडर एंड कंपनी ये अट्ठारह में खोला गया था ठीक यहाँ तक तो चलो ठीक है यहाँ तक जो हम कोयला का इस्तेमाल करते थे वो स्टीम भाप बनाने के लिए करते थे बहुत सारा इंजन चलाने के लिए करते थे है ना तो ये जनरली हम लोग करते थे इस्तेमाल इसके बाद अठारह में लोकोमोटिव स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ ऐसा नहीं कि इससे पहले स्टीम इंजन नहीं चलता था स्टीम इंजन एक अलग चीज़ है और लोकोमोटिव स्टीम इंजन एक अलग चीज़ है लोकोमोटिव का मतलब है जिसको हम चला सकते हैं मैंने गुल मिला करके कहा जाए तो गाड़ी घोड़ा में एक ठो स्टीम वाला इंजन फिट कर दिया जिसमें भाप बनने वाला सिस्टम था तो उससे पहले स्टीम इंजन हुआ करता था जिसको हम बहुत सारा मशीनरी है उसको चलाते थे कपड़ा मिल था टेक्सटाइल था अलग अलग डाइंग फैक्ट्री था तो उस टाइम भी काम होता था लेकिन उस टाइम स्टीम इंजन से काम होता था लेकिन अठारह में लोकोमोटिव का जब आविष्कार हुआ मैंने गाड़ी घोड़ा बना दिया गया जिसमें लोकोमोटिव का ले जाना आना होता था फोटो में अगर आप देख रहे हैं तो ये भी एक लोकोमोटिव का ही एग्जाम्पल है आप देखिए इसको गौर से देखिएगा ये फोटुआ देख रहे हैं आप ट्रैक्टर जैसा दिख रहा है ट्रक जैसा ये क्या है लोकोमोटिव है ये किससे चलता था पता भाप से चलता था स्टीम से चलता था अब स्टीम बनाने के लिए हमको कोयला का जरूरत पड़ता था कोयला को हमको चूर के डालना पड़ता था सोलह मूवी अगर देखे होंगे तो सोले वाला फिल्म हम देखे होंगे कि जब गुंडवास लड़ाइया करता है दोनों अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र तो बीच बीच में कोयला डालते रहता है एक आदमी है ना ताकि जो ट्रेनवा है बहुत स्पीड हो जितना कोयला डालते थे उतना टेम्परेचर मिलता था ट्रेनवा जो है उतना स्पीड भागता था तो उसी टाइप से ये स्टीम इंजन काम करता था इस स्टीम इंजन में लगातार कोयला डाला जाता था और जनरली छोटा स्टीम इंजन होता था तो एक बार कोयला डाल दिए तो वेपर बनते रहता था एक लंबा टाइम तक तो उसी स्टीम सिस्टम पे ये काम करता था ये जब लोकोमोटिव का आविष्कार हुआ तो आविष्कार होने के बाद अचानक से कोयला का डिमांड काफ़ी बढ़ गया 1853 में 1853 में जैसे ही लोकोमोटिव का आविष्कार हुआ स्टीम लोकोमोटिव का काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गया काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गया उससे पहले तो यूज़ नहीं था ना अब आदमी लोग तो भाई भारत में तो कमी नहीं ना था हम अठारह की अगर हम बात करें तो उस टाइम राजा महाराजा बहुत हुआ करते थे सानो सौकत वाली बात थी तो सब राजा महाराजा लोग एक को अपना गाड़ी लेना शुरू कर दिए ठीक है तो जनपद में भी काफ़ी बटा हुआ था तो राजा महाराजा लोग गाड़ी लिए बड़ा बड़ा व्यापारी लोग गाड़ी लिए बिजनेस करने के लिए बहुत सारे आदमी लोग ऐसा लोकोमोटिव वाला गाड़ी लिए तो कोयला का अचानक से डिमांड बढ़ गया अभी मान के चलिए कि पेट्रोल वाला समझ लीजिए ना कि पेट्रोल अचानक से नहीं था पेट्रोल अगर अचानक से पेट्रोल आ जाता और पेट्रोल से चलने वाला गाड़ी हो जाता तो क्या ही बात हो जाता ठीक है चलिए मान के चलिए ऐसा है कि आज का दौर पे दारू से चलने वाला कोई गाड़ी बना दे कि दारू से गाड़ी चलेगा और वो सक्सेस रहे बहुत बढ़िया रहे उसका ठीक रहे तो अचानक से दारू का जो रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा है ना तो वही वाला बात हो गया है ना स्टीम इंजन जैसे बना उसके बाद उसका रेट बढ़ गया तो कोयला का डिमांड भी बढ़ गया अब जब कोयला का डिमांड बढ़ गया तो कोयला का प्रोडक्शन भी तो करना होगा ना ये देखिए ये भी एक स्टीम इंजन का फोटो है है ना बड़ा स्टीम इंजन का ये फोटो है तो इस टाइप से कुछ स्टीम इंजन हुआ करता था है ना? इसके बाद फिर आया वर्ल्ड वार का दौर तो वर्ल्ड वार का जो दौर आया ना? खाना ना खा रहे हो तो मत खाना अभी, फिलहाल तो वर्ल्ड वार का जो दौर आया, वर्ल्ड वार वन का वो बड़ा ही भयानक मंजर लेके आया 1900 में प्रोडक्शन था कोल का 6.75 मिलियन टन का और 1920 तक आते आते प्रोडक्शन हो गया 20 मिलियन टन का ये मैं भारत की बात कर रहा हूँ 20 मिलियन टन का प्रोडक्शन उस टाइम तक किया जाने लगा इससे पहले इजाफा हुआ था जब लोकोमोटिव आया था लेकिन 20 मिलियन टन का 1920 तक उदापन करने लगा वर्ल्ड वार वन जब हुआ ना तो अचानक से प्रोडक्शन में बूस्ट हो गया ऐसा क्यों हुआ समझते हैं देखो यार उसको समझने से पहले हमको आ, इसको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से चलो बताते हैं आगे देखो जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ वो दो ग्रुप के बीच में हुआ था एक था सेंट्रल पावर और एक था एलायंस पावर ठीक है तो सेंट्रल पावर में आपका जर्मनी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया हंगरी टर्की ये सब क्या थे ये सब बड़ा ही विकसित देश थे आज भी विकसित देश और उसके बाद दूसरा जो पावर था वो था एलायंस पावर उसमें फ्रांस ग्रेट ब्रिटेन रसिया इटली जापान यूएसए ये सब आपका देश लड़ रहा था दोनों आपस में लड़ाई कर रहा था एक आपका एलाइंस पावर एक आपका सेंट्रल पावर तो एलायंस पावर में ही भारत ग्रेट ब्रिटेन के साथ में युद्ध में सहायता कर रहा था क्योंकि बहुत सारा एग्रीमेंट हो चुका था भारत में जब अंग्रेजी हुकूमत आया था बहुत ही जोरों पर चल रहा था उस टाइम उस टाइम क्रांति वाला दौर था तो जो भी फौजी था ना फौजी से एग्रीमेंट करा लिया जाता था कि भैया हम तुमको जहाँ भेजेंगे वहां करना पड़ेगा जैसे आज कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करते हो तो लिखाता है ना कि कहीं भी हम आपको भेज सकते हैं उसी तरह से वहाँ लिखा लेता था है ना आप छोड़ नहीं सकते हैं छोड़ेंगे तो इतना जुर्माना है इतना लाख का पेनल्टी देना पड़ेगा इस वजह गरीब आदमी भी यह पेनल्टी कहाँ देगा जाना पड़ता था बेचारा को युद्ध करने तो ग्रेट ब्रिटेन के साथ भारत को युद्ध करना पड़ा और उसके बाद ये जो युद्ध था बड़ा ही भयानक मंजर लेके आया आपको हम बताते हैं समझिएगा थोड़ा सा डिटेल में टोटल डेथ जो हुआ था ना सर वो दो करोड़ के आसपास हुआ था यानी बीस मिलियन आप एक बार सोचिए कि आपके आंख के सामने ठो आदमी अगर मरा हुआ लेटा हो तो आपको कितना खराब लगेगा आप सोचिए एक बार कि वही दो करोड़ आदमी अगर लेटा हुआ है दो करोड़ आदमी का लाश पड़ा हो तब आपको देख के कैसा लगेगा कैजुअलिटी का बात करें तो चार करोड़ मतलब चार करोड़ लोग ऐसे थे जो घायल थे अब इसमें मामूली रूप से घायल या गंभीर रूप से घायल को नहीं दर्शाया गया मतलब एक वो ऐसा भी हो सकता है किसी का पैर कट गया हाथ कट गया आधा बॉडी कट गया चेहरा जल गया शरीर जल गया ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है तो चार करोड़ आदमी घायल हुआ दो करोड़ आदमी मर गया इंडियन आर्मी जो कि आपका अलायंस ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था उसमें टोटल 62,000 62 व्यक्ति का देहांत हुआ मतलब शहादत को प्राप्त हुए और कैजुअलिटी जो था वो सिक्सटी सेवन थाउजेंड के आसपास था है ना एक जीरो इसको खटाओ सिक्सटी सेवन थाउजेंड मतलब इतने लोग घायल हुए और इतने लोग का डेथ हुआ लेकिन जानते हैं अंग्रेज इतना चंट था चार गाली अगर आपको आता है तो दे दीजिएगा मन में इतना चंट था कि वो बताया ही नहीं कि कितना आदमी मरा है भारतीय नागरिक के बारे में वो डाटा ही स्पष्ट नहीं किया सही से कि कितना आदमी मरा है अगर नॉन ऑफिशियली बात करें तो इतना आदमी का देहांत हुआ था लगभग बारह हजार आदमी जो है ना बारह हजार बारह हजार जो सैनिक थे आर्मी वाले थे इंडिया की ओर इंडिया इंडियन आर्मी वाले जो थे बारह हजार आर्मी का लापता मतलब लापता घोषित कर दिया बोला कि नहीं सब भाग गया था ऐसे था वैसे था अंग्रेज लोग तो बहुत चंड मतलब बोले ना जितना आता गाली दे दीजिएगा बासठ हजार का बॉडी गिना गया और इतना का नॉन ऑफिशियली माना जाता है कि इतना सैनिक हुआ करते थे उस टाइम ठीक है लेकिन अंग्रेज ऐसा थे बताते कि नहीं नहीं इतना ही थे बाकी तो भाग गए तो ऐसा सिचुएशन था तो ऐसा डेथ हुआ इतना आदमी तो आप सोच सकते हैं कि लड़ाई कितना आदमी किया होगा कुछ ऐसा लाश दिखता था अगर आप देखेंगे ना तो ऐसा लाश दिखता था तो देखो हिंदू धर्म में एक परंपरा होता है अंत्येष्टि परंपरा मतलब कोई अगर डेथ होता है तो उसको जलाया जाता है लेकिन कोयला अब जलाने के लिए उस टाइम कोयला और लकड़ी का जरूरत पड़ता था लकड़ी उतना था नहीं कोयला बनगाता था अब कोयला का डिमांड इतना ज्यादा बढ़ गया कि फुलफिल ही नहीं हो पा रहा था कोयला बढ़ गया अब कोयला को ले जाना है तो भैया उसके लिए लोकोमोटिव चाहिए इंजन चाहिए ट्रेन चाहिए अब ट्रेन में भी तो कोयला लगेगा ना ट्रेन को चलने के लिए भी तो कोयला चाहिए भाप वाला लोकोमोटिव को चलने के लिए कोयला चाहिए खाना चाहिए इतना आदमी रह रात भूखे तो लड़ाई नहीं करेगा खाना चाहिए तो खाना के लिए भी फिर उसना खाना ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट का सुविधा चाहिए तो इतना कुछ में कोयला का मांग बढ़ा कि कोयला का फुलफिल ही नहीं कर पाया तो जब फुलफिल ही नहीं कर पाया तो लाश को कुछ ऐसे ही जमा करके ज़मीन में दफना दिया जाता था आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं आधा आधी बॉडी किसी का पैर देखिए पैर पड़ा हुआ है किसी का हाथ पड़ा हुआ है किसी का मुंडी पड़ा हुआ है ऐसा ही आपको देख के मंजर भयावह लग रहा होगा लेकिन ऐसा होता था जमीन में गड्ढा कोड़ता था और गड्ढा कोड़ने के बाद सबको एक ही बार उसमें दफना देता था ऐसा सिचुएशन हो गया था वर्ल्ड वार वन में ठीक है ऐसे ही लोकोमोटिव सब पड़ा रहता था बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तो कोयला का डिमांड यहाँ पर भी बढ़ा काफ़ी ज़्यादा और कोयला का डिमांड फुलफिल भी नहीं कर पाया इसके बाद भी अंग्रेज तो बहुत चंट वर्ल्ड वार टू का दौर आया वर्ल्ड वार वन में कोल का डिमांड काफी बढ़ा उसके बाद वर्ल्ड का दौर आया तो वर्ल्ड में बेसिकली इसमें भी दो ही कम, दो ही ग्रुप थे जो लड़ाई कर रहे थे एक का नाम था एक्सिस पावर दूसरा का नाम था एलाइस पावर एक्सिस पावर में आपका जर्मनी इटली और जापान ये तीनों के तीनों काफी विकसित देश थे इसके पास बहुत ज्यादा बम बारूद सब कुछ था संपन्न देश था और दूसरा ग्रुप था फ्रांस ग्रेट ब्रिटेन द यूनाइटेड स्टेट द सोवियत संघ है ना और कुछ हद तक कहा गया है है ना चाइना का कुछ इसमें सपोर्ट था तो ग्रेट ब्रिटेन के साथ अगेन भारत को लड़ाई करना पड़ा था ठीक है तो इसके बाद भी इसके बाद भी जब लड़ाई हुआ 1930 तो सेकेंड वर्ल्ड वार में आपका कोयला का काफ़ी डिमांड बढ़ गया था ठीक है इसमें भी डेथ का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है बट वो आपका काम का है तो उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं फलांकि दिया है तो आप देख सकते हैं ठीक है थीके? अब आते हैं थोड़ा सा भारत की ओर नाइनटीन थर्टीज का जो जमाना था ना उस टाइम भारत में जो भारतीय व्यापारी थे वो जाग चुके थे क्योंकि महात्मा गांधी आ चुके थे सुभाष चंद्र बोस का मैटर था है ना लाला लाजपत राय भगत सिंह आप कल्पना कर रहे हैं कि वो उस टाइम कौन कौन से लोग थे है ना कितने लीजेंडरी लोग को देख रहे थे उस टाइम तो जितने भी भारत के व्यापारी थे वो सब बगावत कर दिए थे अंग्रेज वाला से कि भैया तुम जाओ तेलंडी में हम खोलेंगे अपना माइंस तो उन्नीस में बहुत सारे लोगों ने हिम्मत दिखाई उसमें से कुछ क्षत्रिय थे कुछ पंजाबीज थे कुछ कच्चीज थे यानी कि कक्ष यानी गुजरात का एक स्टेट पड़ता कक्ष उस जगह से आए हुए थे कुछ मारवाड़ी थे कुछ गुजराती थे सिंधीज थे ये सभी लोगों ने कहा कि हम भैया अपना माइंस खोलेंगे अंग्रेज गया तेलंडी में तो फिर सब अपना अप सेपरेट माइंस खोलना शुरू किए बहुत किसी को जेल भी हो गया बहुत किसी को उस बगावत का बहुत क्या बोलते हैं उसको सजा दिया गया लेकिन भारतीय खून है तो क्रांति तो रहेगा ही तो ये सभी लोगों ने अपना अपना माइंस खोला और जनरली जो माइंस थे वो बिहार में बंगाल में और उड़ीसा में हुआ करता था बिहार उस टाइम झारखंड और बिहार एक ही हुआ करता था ठीक है तो आप उस टाइम के हिसाब से कल्पना कीजिए बिहार में बंगाल में और उड़ीसा में इन जगह पे इन लोगों ने अपना माइंस खोला नाइनटीन के पास ठीक है नाइनटीन थर्टीज के टाइम उस टाइम माइंस खोला इसके बाद भारत को आज़ादी मिलने से जस्ट पहले एस को लेके बवाल हुआ क्या है एस बताते हैं एस यानी सिंगरौली कोलियरी कोलफील्ड लिमिटेड उस टाइम इसका यही नाम था अभी कुछ अलग नाम है सिंगरेली कोलियरी कोलफील्ड लिमिटेड जो कि 1947 में एक प्राइवेट कंपनी था क्या था एक प्राइवेट कंपनी था लेकिन उस टाइम 1945 में चूंकि आजादी वाला लड़ाई चल रहा था 1947 में भारत पूरी तरह से आजाद हुआ था तो इस टाइम अंग्रेज चाह रहे थे कि इस प्राइवेट कंपनी को हम एक्वायर कर ले। लेकिन जो भारत के क्रांतिकारी थे वो चाह रहे थे कि ये जो है वो भारत के साथ ही रहे क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी था तो इसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा कि तुरा इतना पैसा देंगे तुर सुविधा देंगे तो हमारा साथ मिल जाओ ऐसे करके लेकिन चूँकि तब तक लोग जाग चुके थे इसीलिए वो अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिए तो 1945 में पहला कंपनी ऐसी था इसके बाद इसी को 1956 में ये कंपनी काफ़ी ग्रो करने लगा सिंगरौली कोलफी कोलेरी कोलफील्ड लिमिटेड काफ़ी ग्रो करने लगा 1945 में बना जो कि एक प्राइवेट कंपनी था और धीरे धीरे ये कंपनी देखते ही देखते 10 साल के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने लगी बहुत अच्छा ग्रो करने लगी तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट यहाँ पे हो गया थोड़ा सा लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि ये कंपनी पे पहला अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का कहना था उस टाइम जो 1956 के आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट थे मुझे ध्यान नहीं उस टाइम का सीएम का नाम तो उनका कहना था कि चूंकि ये जमीन आंध्र प्रदेश का है चूंकि ये माइंस आंध्र प्रदेश के अंदर में आ रहा है और ये प्राइवेट माइंस था तो इसीलिए इसको एक्वायर करने का पूरा जो श्रेय है वो ए गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को जाता है तो फाइनली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को का जीत हुआ और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एस को अपने अंदर एक्वायर कर लिया और पहला सरकारी कंपनी घोषित किया ठप्पा मारा पहला सरकारी कंपनी का तो अगर आपसे कभी पूछे कि भारत का पहला प्राइवेट कोल माइनिंग कंपनी क्या सर कोल माइनिंग कंपनी कौन सा है कौन सा है भारत का पहला प्राइवेट कह रहे सॉरी सॉरी प्राइवेट नहीं प्राइवेट नहीं कुछ और कहना चाह रहे थे गवर्नमेंट कहना चाह रहे थे गवर्नमेंट इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट कोल माइनिंग कंपनी कौन सा है तो भूल के भी बी सी सी एल टिक नहीं मारिएगा बी सी सी एल का बात अलग है वो हम आपको समझाते अभी फिलहाल जानिए एस सी सी एल है पहला सरकारी कंपनी अगर हम बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी तब आप बी सी सी एल टिक आइएगा मतलब टिक मारिएगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ना बोल के खाली गवर्नमेंट बोलेंगे तो आपको एस सी सी एल ही टिक मारना होगा मानना होगा मानना होगा, मारना होगा। तो इंडियास फर्स्ट गवर्नमेंट कोल माइनिंग कंपनी एससीसीएल कौन सा है एससीसीएल ठीक है ध्यान रहेगा चल आगे बढ़ते हैं 1956 का बात करते हैं हम 1956 का अब आजादी आजादी मिल गया है भारत पूरा सुकून से जी रहा है है ना सब आराम से है सब अपना विकास करना चाह रहा है जितने भी व्यापारी ग्रुप थे वो बहुत ज्यादा सहयोग किए थे स्टार्टिंग में आजादी के बाद अपना-अपना सब अपना माइंस खोल रहे थे इस टाइम एक फॉर्मेशन हुआ भारत को ऐसा लगा कि क्यों ना हमारा एक प्राइवेट खुद का एजेंसी हो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्वे करे कोल का टेस्टिंग करे रेशियो निकाले कहाँ कितना कोल है नहीं है सबका बारे में पता करे तो वो बनाया गया था एनसीडीसी नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में एनसीडीसी का स्थापना किया गया था जो स्पेशली कोल से रिलेटेड ही था है ना नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि कोल का ही सैम्पलिंग करना टेस्टिंग करना कोल कहाँ है नहीं है स्टॉक रखना ये सब का काम एन ही करती थी नाइनटीन में इसका स्थापना किया गया था इसके बाद दौर आता है 1971 का चलिए नेशनलाइजेशन वाला दौर है ये है ना ओके इसको अगर हम एक सेकेंड देख लेते हैं कि मेरे पास समय पर्याप्त है या नहीं है ड्यूटी जाना है बाबू गरीब आदमी है पैंतीस मिनट सेकेंड ठीक है इसको अगर हम नेशनलाइजन से अगर हम अगला क्लास से स्टार्ट करें तो बहुत बेहतर रहता वो ज़्यादा अच्छा रहता और प्रेजेंट दौर का बात करेंगे ठीक है तो अगला क्लास में हम आपको चूँकि हम वॉल्यूम वन पढ़ा रहे हैं अभी वन पहला नंबर चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है ठीक है उसको रिवीजन कीजिएगा उसका हम भेज देंगे पीपीटी आप लोग को एक मिनट वॉल्यूम टू आपका पूरी तरह से खत्म हो गया है वॉल्यूम वन का आपका चैप्टर नंबर वन पूरी तरह से खत्म हो गया है चैप्टर टू को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे इसलिए समझेंगे क्योंकि चैप्टर टू में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आएगा तो पहले बेसिक कुछ चीज़ों को समझ लेंगे उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर कूदेंगे ऐसे कूदिएगा तो फिर उछलते रह जाइएगा समझ नहीं आएगा चलिए आज इतना ही रखते हैं यार है ना थोड़ा ड्यूटी का टाइम हो गया बाबू जाना पड़ेगा तो हाजिरी काट लेता है तो फिर पैसा नहीं देगा फिर कैसे पढ़ाएंगे हम खाना कैसे खाएंगे चलिए आज इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली क्लास में तब तक लिए कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग टिल देन जय हिंद